सुपरफास्ट 100 न्यूजनी शुरुआत करिए। राज्य सरकारे 1419 करोड़ना राहत पैकेजनी जाहरात करी। अतिवृष्टि ने कारणे थयेला नुकसान में 7 लाख खेडूतोने सहाय चूकवाशे। सरकारना राहत पैकेज में 136 तालुकाना 6812 गामने आवरी लेवाया। 1097 करोड़ फंड एसडीआरएफ माथी अन्य राहत सरकार चूकवशे। राहत पैकेज में ऑक्टोबरना नुकसानो समावेश नहीं। खेडूतोने सहाय संदर्भे कृषि मंत्री राघवजी पटेले कहू, जमीन धोवाण संदर्भे सर्वे करीने सहाय चूकवाशे। गुजरात सरकारे 9000 करोड़नी नुकसानीनुं मेमोरेंडम केन्द्रने सौंप्युं। राहत पैकेज मुद्दे कांग्रेस नेता पाल आंबलियाए कहू कि सरकार द्वारा जाहिर करायेलुं पैकेज अपूरतुं, 1 लाख करोड़नी जग्याए 1400 करोड़ चूकवाया। टेकाना भावे खरीदी ने लईने कांकरेजना एमएलए अमृतजी ठाकुरे कहू कि टेकाना भावनी खरीदी सरकार तात्कालिक शुरू करे, मगफळी ने टेकाना भावे खरीदी करे। गत वर्ष करता खेडूतोने मगफळीना ओछा भाव मळ्या। खेडूतो नीचा भावे मगफळी वेचवा माटे मजबूर। दिवाळीना समये खेडूतो नीचा भावे वेची रह्या छे मगफळी। राहत पैकेज में अमरेली जिला ने बाकात रखाता रोष। अमरेली ना खेडूतोए करी राहत पैकेज नी मांग। तात्कालिक सर्वे नी कामगीरी हाथ धरी राहत आपवानी खेडूतोनी मांग। सावरकुंडला एपीएमसी में 10 दिवस में कपास ने मगफळी नी बंपर आवक। कपास ने लईने आवता वाहनों ने सांज पहला निकाल करी देवामां आवे छे। थरादमांथी झड़पायेली खातरनी 30 बेग नकली होवानो खुलासो। 22 दिवस पहला खेडूते आशीर्वाद एग्रो सेंटर में 8 कटा खातर खरीद्यु हतु। नमूना फेल आवता एग्रो सेंटर ना मालिक सामे कार्यवाही। खातरना 8 कटा में माटी निकलता खेडूते फरियाद करी हती, जे बाद खेतीवाड़ी अधिकारी खातर नो जत्थो जप्त कर्यो हतो। एग्रो सेंटर ना मालिक सहित एक शख्स सामे फरियाद। थराद पुलिसे गुनो नोंधी आगळनी तपास हाथ धरी। वाव बैठक पर भूराजी ठाकोरे अपक्ष उम्मीदवारी नोंधावी। सांसद गैलेबेन कौटुंबिक काका भूराजी ठाकोर कांग्रेस में भाजपा में जोड़ाया। भूराजी ठाकोरे अपक्ष दावेदारी करता राजकारण में गरमावो। वाव विधानसभा बैठक पर उम्मीदवार ने लईने भाजपनुं मंथन। मुख्यमंत्री बंगले भूपेन्द्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पाटिल और अन्य नेताओं की उपस्थिति में बैठक मिली। वाव बैठक माटे कांग्रेस में उम्मीदवार नुं नाम नक्की। सूत्र प्रमाणे वाव थी कांग्रेस में गुलाबसिंह राजपूत ने टिकट नक्की। टूंक समय में सत्तावार जाहरात करवामां आवशे। वाव बैठक पर पेटा चूंटणी पहला कांग्रेस में विखवाद। वाव तालुका कांग्रेस पूर्व प्रमुख नो आक्षेप, सेंस प्रक्रिया में दावेदारी करी छता वशरामजी यात्रा दावेदार माथी नाम काढ़ा आक्षेप। वाव पेटा चूंटणी ने लईने आप कांग्रेस गठबंधन मुद्दे असमंजस में। बंने पक्षों प्रदेश प्रमुखों की मळशे बैठक। उम्मीदवार जाहिर थाय ते पहला बैठक मळशे। बैठक में गठबंधन ना मुद्दा सहित विविध मुद्दे चर्चा। धारासभ्य साथ विवाद मुद्दे आईपीएस पांडियन निवेदन, कहू मारा पर लगावेला आक्षेपो तद्दन खोटा। मैं कोईपण प्रकार गैरवर्तन नहोतु कर्यू। ऑफिस में आता ज मेवाणी ऊंचा अवाजे बोलवा लाग्या। रिसीव करवा माटे बहार केम न आव्या तेम पूछवा लाग्या। तेमना एक मोबाइल में ऑडियो रेकॉर्डिंग चालू हतु। तेओ कया मुद्दे रजूआत करवा आव्या ते जणाव्युं ज न हतु। कड़ीमां बुडासन जीआईडीसी में पुलिस अने फूड विभागनी रेड। फूड विभागे 2500 किलो शंकास्पद नकली घी सीज कर्यु। 10 लाखनी किंमतना घीना 118 डब्बा सीज कर्या। टेस्ट में गायना घीना सैम्पल में वेजिटेबल घी मळ्युं। 100, 200, 500 ग्राम 15 किलोनुं करता हता पैकिंग। पैकिंगनो सामान, पैकिंग मशीनरी जप्त। डीसामां फूड विभागे शंकास्पद घी झड़प्युं। संयम घी सियाफेट नामनुं शंकास्पद घी झड़पायुं। फूड विभागे घीना सैम्पल लई कार्यवाही हाथ धरी। साबरकांठा विजयनगर में तहेवार ने लई फूड विभागना दरोड़ा। खोडियार फूड पॉइंट मांथी मिठाई अने फरसाणना नमूना लेवाया। नमूना फेल थशे तो कार्यवाही हाथ धराशे। अमदावाद में नकली जज केस में आरोपी मॉरिस क्रिश्चियनना 11 दिवस रिमांड मंजूर। 6 सरकारी जमीन में मनस्वी रीते कर्या हता हुकम। एएमसी की 4 जमीन में मनस्वी रीते हुकम कर्या हता।
नकली जजे एएमसी प्लॉट ने न छोड़ा। नारोल शाहवाड़ी में जमीन मुद्दे कर खोटा ऑर्डर, कोर्टे नकली जज मेडिकल टेस्ट की आपी है मंजूरी। अमदावाद में नकली जजे कोर्पोरेशन ने लगवा चूनो, जे मुद्दे एएमसी लीगल कमिटी चेयरमैन प्रकाश गुर्जरे कहूं। मॉरिस सेम्युले एएमसी की मालिकी 5 प्लॉट में ऑर्डर कराया, मॉरिस अन्य व्यक्ति ने फाड़वा ऑर्डर कराया। एएमसी की लीगल टीम पर समग्र मामले थी अंधारा में। नकली जज सेम्युअल मॉरिस कांड में वधु एक खुलासो, सेम्युअल मॉरिस की डिग्री पर नकली निकली। बार काउंसिले परिपत्र द्वारा जाहरात करी, वकील ने नकली डिग्री द्वारा करतो हतो प्रेक्टिस। वडोदरा में बिल्डर्स ने त्या आईटी विभाग दरोड़ा, रत्नम ग्रुप निलेश शेठ और बिल्डर्स सोनक शाह ने त्या दरोड़ा, 100 वधु कर्मचारी तपास में जोड़ाया। जाम खंभाळिया पालिका में सफाई कामदारों की हड़ताल, विविध मांग ने ले सफाईकर्मी आकरा पाणीए, पालिकाए करोड़ों भ्रष्टाचार कर्यो होवाना आक्षेप। सुरेन्द्रनगर नगरपालिका सफाई कामदारों बोर्ड में आवीने विरोध कर्यो, भाजपना कोर्पोरेटरे गैररीति करी होवानी रजूआत करी, सफाई कर्मचारीओए चालू बोर्ड में हुबाड़ो कर्यो। जामनगर में जेएमसी कनेक्ट नामनी एप्लिकेशन में ऑनलाइन गौवंश सेवानो फीचर उमेरायो, जेमां लोको पशुओने निभावा दैनिक खर्च में सहभागी बन्या। आ ऑनलाइन दान बदल मेयरे जामनगरवासीओनो आभार व्यक्त कर्यो। राजकोट नागरिक बैंक सामे पिटिशन करनार विबोध दोषीए पिटिशन परत खेंची, हाईकोर्टे आ मामले निचली कोर्ट में जवा आप्यो आदेश। नागरिक बैंकना पूर्व कर्मचारी हता दोषी। वडोदराना वाघोड़िया में रोड 2 किलोमीटर खोदी नखाता तंत्र की कामगिरी थी स्थानिको परेशान, खोद गाम थी स्थानिक दुकानदारों त्रस्त। साबरकांठा में पुलिस तेमज आरटीओ विभाग द्वारा मेगा ड्राइव योजाई, जमा फरजियात हेलमेट मामले चेकिंग करायू, हेलमेट विनाना 240 थी वधु लोगों ने मेमो आपीने दंडित कराया। वेरावल जीआईडीसी में एमोनिया गैस लीकेज मामले तपास में मोटो खुलासो, कंपनी गैरकायदेसर कार्यरत और कंपनी पास लायसेंस ज नहीं, सरकारी विभाग नो लायसेंस पर न होवानो खुलासो थयो, एक श्रमिक नो मौत थयो हतो। भावनामां नवी बनेली प्राथमिक शाला जर्जरित हालत में, रूपेण बंदर पासे आवेली शाळानी दीवालो में तिराड़ो पड़ेली देखाय, शाळानी बांधकाम में हल्की गुणवत्ता माल वपरायो होवानी आशंका। द्वारका में रूपेण बंदर पर प्राथमिक शाला की जर्जरित छत नीचे बाळको रमता देखाया, छत पड़े तो भूलकाओना जीवनु जोखम, जिला शिक्षण अधिकारी घोर निंद्रा में। सूरत में कार नंबर 11,95,000 चुकवाया, नंबर प्लेट पर एक नंबर माटे रेन्ज रोवर मालिके 11,95,000 चुकव्या, आरटीओए कार माटे नवी आरजेड सीरीज करी जाहिर। गीर सोमनाथ कोड़ीना छाछर गामे दीपड़ो घुसो होवाना सीसीटीवी सामे आव्या, सी बाद दीपड़ो रहेणांक विस्तार में घुसता लोग में भय। भरूचना अंकलेश्वर में दबाण हटावाया, उद्योग मंडले दबाण हटावो झुंबेश शुरू करी, रस्ताना अड़चणरूप दबाणों हटावाया, पुलिस बंदोबस्त साथ दबाण हटावाया। राजकोट में दिवाली तेहर ने लई अधिक जिला कलेक्टरे जाहिरनामु बहार पड़ी, रात्रिना 10 वाग्या थी सवारना 6 वाग्या सुधी फटाकड़ा फोड़वानी मनाई, शापर वेरावल मेटोड़ा जीआईडीसी हद में फटाकड़ा फोड़वा पर प्रतिबंध। जामनगर जिला में फटाकड़ा लायसेंस अंगे स्टॉल धारकों अवढव में, तंत्र ने ढीली नीति थी फटाकड़ा स्टॉल धारकों ने हालाकी, 127 अरजीओ प्रांत अधिकारी पास पेन्डिंग है, मंजूरी मिले ते पूर्वे शहर में फटाकड़ा वेचाण शुरू। दिवाळी तेहवार ने लई 108 इमरजेंसी सेवा सज्ज, 838 एम्ब्युलेंस इमरजेंसी कॉल ने लईने तैयार रहेशे, एम्ब्युलेंस में दवा अने अन्य व्यवस्था पण कराई। अमदावाद वडोदरा सूरत राजकोट में ब्लेक स्पॉट आइडेंटिफाय कराया, ब्लेक स्पॉट पर बंदोबस्त मुकवानी व्यवस्था पण कराई। सूरत में 300 टन रंगोली रंगों वेचाण, आ वर्षे रंगोली रंगों में प्रति किलो 2 रूपया वधारो, रॉ मटीरियल भाव में वधारो थता रंगों भाव में वधारो करायो। मोरबीना टंकारा में नकली एंजीन ऑइल वेचती कंपनी पकड़ाई, लजाई गामे आवेल मारुति इंडस्ट्रीज गोडाउन में एसएमसी की रेड, कंपनी एंजीन ऑइल पैकिंग और सेलिंग करती थी, हजारों लीटर ऑइल जत्था साथ 2 की धरपकड़।
અમદાવાદના અમરાઈવાડીમાં આતંક મુદ્દે પોલીસે આરોપીને સાથે રાખી પંચનામું કર્યું. મંજુબેનની ચાલીમાં થોડા દિવસ પહેલા માથાકૂટ થઈ હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળ પર લઈ જઈ રીકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું. આરોપીએ સ્થાનિક લોકોની માફી માંગી તલવારો પાઇપોથી તોડફોડ કરી મચાવ્યો હતો આતંક. દુકાન અને વાહનોમાં તોડફોડ કરી દહેશત ફેલાવી હતી. સુરતમાં લવજિહાદ બાદ બિઝનેસ જિહાદ. મુસ્લિમ શખ્સે હિન્દુ નામ ધારણ કરી ફુલેકું ફેરવ્યું. વેપારીઓએ 70 લાખનો ચૂનો લગાવી શખ્સ ફરાર. જસદણમાં નવા બસ સ્ટેશન પાસેથી ટુ વ્હીલરની ચોરી. રામાણી હોસ્પિટલ પાસે પાર્ક કરેલી ટુ વ્હીલરની ચોરી. ચોરીની સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. અંકલેશ્વરમાં મ્યુઝિક ઇવેન્ટના નામે છેતરપિંડી. જૂની તારીખના પાસ પર નવી તારીખ લગાવી ઇવેન્ટના નામે પાસ મેળવવા સંપર્ક કરવા જણાવાયું. સેલિબ્રિટીનું નામ બદલી સોશિયલ મીડિયા પર નાખ્યું. સુરતમાં દિવાળીના તહેવાર ટાણે 10 ગ્રામ સોનું 81,100 ને પાર. સોનાના ભાવ આસમાને પહોંચતા સોનાની ખરીદીમાં ઘટાડો. કેરળમાં કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ વાયનાડ લોકસભા પેટાચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવી. તે પહેલા પ્રિયંકાએ વાયનાડમાં રોડ શો પણ યોજ્યો. રોડ શો યોજ્યા બાદ પ્રિયંકા ગાંધીએ સભા પણ સંબોધી. સોનિયા ગાંધી અને રાહુલ ગાંધી પણ હાજર રહ્યા. પ્રિયંકાએ કહ્યું, હું વાયનાડ ને રાહુલની કમી અનુભવવા નહીં દઉં. હું સખત મહેનત કરીશ. હું દરેકને ખુશ કરવા અને એક સારી પ્રતિનિધિ બનવા માટે મારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરીશ. રાયબરેલી અને અમેઠી સાથે મારો ઘણો જૂનો સંબંધ. હું રાયબરેલીમાં મારા ભાઈને પણ મદદ કરીશ. અમે રાયબરેલી અને વાયનાડ બંને જગ્યાએ હાજર રહીશું. ભાજપે વાયનાડથી નવ્યા હરિદાસને મેદાનમાં ઉતાર્યા. કોઝીકોડથી 2 ટર્મ સુધી કાઉન્સિલર રહ્યા છે નવ્યા હરિદાસ. 2021માં વિધાનસભાની ચૂંટણી પણ લડ્યા હતા નવ્યા. નવ્યાએ પ્રિયંકાને પેરાશૂટ ઉમેદવાર ગણાવ્યા. કહ્યું, કોંગ્રેસનો જોશ એક દિવસનો. હું 5 વર્ષ સુધી વાયનાડના લોકો સાથે રહીશ. મહારાષ્ટ્રમાં શિવસેનાએ 45 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી. એકનાથ શિંદે કોપરી પચખાડી બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે. મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભાને ધ્યાનમાં રાખી એનસીપી અજીત પવાર જૂથે 38 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી. અજીત પવાર પોતે બારામતી વિધાનસભા બેઠક પરથી લડશે. અજીત જૂથની યાદીમાં 95% વર્તમાન ધારાસભ્યોને ફરીથી ટિકિટ અપાઈ. નવાબ મલિક અને સના મલિક જેવા મોટા નેતાના નામ આ યાદીમાં નથી. મહારાષ્ટ્રમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મહાવિકાસ આઘાડીએ બેઠકની કરી વહેંચણી. કોંગ્રેસ 104 બેઠક પર તો એનસીપી 88. ઉદ્ધવ જૂથ 96 બેઠકો પર ચૂંટણી લડશે. અમરાવતીમાં મુખ્યમંત્રી એન ચંદ્રબાબુ નાયડુની અધ્યક્ષતામાં આંધ્રપ્રદેશ કેબિનેટની બેઠક યોજાય. બેઠકમાં આંધ્રપ્રદેશના ડેપ્યુટી સીએમ પવન કલ્યાણ પણ હાજર. બેઠકમાં રાજ્યના વિકાસ અને શાસન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી મુખ્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા. બોમ્બે હાઈકોર્ટે ગેંગસ્ટર છોટા રાજનને જામીન આપ્યા. હોટલ માલિક જયા શેટ્ટી હત્યા કેસમાં 1 લાખ રૂપિયાના બોન્ડ પર છોટા રાજનને જામીન અપાયા. પ્રદૂષણ મુદ્દે સુપ્રીમ કોર્ટે પંજાબ, હરિયાણા અને દિલ્હીની રાજ્ય સરકારની જાટકણી કાઢી. કોર્ટે પૂછ્યું કે પ્રદૂષણ મુદ્દે રાજ્ય સરકારો કેમ ગંભીર નથી. સર્વોચ્ચ ન્યાયાલયે પૂછ્યું કે પંજાબે પ્રદૂષણને લઈને કેટલો દંડ વસૂલ્યો. હરિયાણા સરકાર આંખમાં ધૂળ નાખી રહી છે. હરિયાણામાં કેટલા કેસ નોંધાયા. રાજધાની દિલ્હીની હવામાં પ્રદૂષણના સ્તરમાં વધારો. હવામાં ધૂળના કણો અને ઝેરી ગેસની માત્રા વધી. એક્યુઆઈ 349 પર પહોંચ્યો. દિલ્હીની હવા અત્યંત ખરાબ સ્તરે પહોંચી, જેને લઈ દિલ્હીમાં ઠેર ઠેર પાણીનો છંટકાવ કરવામાં આવ્યો.